असीन बने उपभोक्ताओं के रवैये से बिजली बोर्ड इन दिनों परेशान है। हालात ऐसे हैं कि जिन अभियंताओं पर बिजली दुरुस्त करने समेत आने वाले दिनों की योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी है, वो उपभोक्ताओं के बिजली बिल काटने में अपना वक्त दे रहे हैं। रिपोर्ट। बिजली विभाग के काउंटर पर इस सन्नाटे को देखकर समझा जा सकता है कि बिजली उपभोक्ताओं ने सरकारी संपत्ति मान ली है। बिजली बिल जमा करने में उपभोक्ताओं के उदासीन रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में बिजली विभाग की 290 टीम सिर्फ बिजली कनेक्शन काटो अभियान से जुड़ी हुई है। हालांकि कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो लाइन में खड़े होकर अपना 100, 200 या 300 का बिजली बिल भी नियमित रूप से जमा कर देते हैं। कम से कम इस उपभोक्ता को देखकर तो यही कहा जा सकता है, करें तो जमा तो करना पड़ेगा बिजली बिल तो। लेकिन कई लोग आपकी तरह नहीं है। जी जी, तो आना ही पड़ेगा, बिजली बिल आया है तो देना ही पड़ेगा आपको। आप जागरूक कंज्यूमर हैं। जी, 300 बिल था फिर भी जमा करने चले आए। जी हाँ, 100 रुपया रहे चाहे 200 रुपया चाहे, बिल तो जमा करना होगा आपको। झारखंड राज्य बिजली वितरण के अधिकारी पिछले कई सालों से बिजली काटो अभियान में जुटे हैं। 10,000 से ज्यादा बकाए वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है। जाहिर है ये शौक नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया गया कदम है। हालांकि ये मानने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं के उदासीन रवैये की वजह से अभियंता अपना मूल काम छोड़कर बिजली काटो जैसे अभियान में लगे हैं, जिसका उन्हें अफसोस भी है। हालांकि अधिकारियों की मजबूरी है। हमारे अभियंता से लेकर कर्मचारी गण बिजली बिल की उगाही के लिए ही नहीं, बिजली मेंटेनेंस के लिए भी रात रात भर, कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने आंखों से 2-2 बजे रात तक काम करते हैं। उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू है लगातार डाउनफॉल होते जा रहा है। हमारे अभियंता इसी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिजली का पैसा डीवीसी को देना है, और बिजली खरीदती है, मान लिया 100 रुपये का कलेक्शन होता है 40-50 रुपये का, तो आखिर 50 रुपये का बिजली ये जाता कहाँ है अगर लाइन लॉस छोड़ भी दिया तो। ऐसे बहुत से उपभोक्ता हैं जो कि बिजली बिल देने में उतने उत्साहित या उदासीन रवैया अपनाए रहते हैं। आपको राजस्व की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमें भी बिजली कंपनियों को समय समय पे आपको भुगतान करना पड़ता है। तो जिनके ऊपर लाखों का रुपए का बकाया है, जिनके पास 50,000 से ऊपर का बकाया है, जिनके ऊपर 10,000 से ऊपर का बकाया है, तो हमें आपको मजबूरी बस बिजली काटना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए लगभग आज के दिन में रांची शहर में लगभग 200 से ज़्यादा डिस्कनेक्शन गैंग घूम रहे हैं, राजस्व वसूली गैंग घूम रहे हैं, और उनके द्वारा हम लोग आपको राजस्व वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसा भी दिन कभी आएगा जब उपभोक्ता अपना बकाया बगैर तगादे के जमा कर दे। फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको ना में ही मिलेगा। राजधानी रांची में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली बिल जमा करने में कोताही बरतते हैं, लिहाजा बिजली विभाग के अधिकारियों का एक बड़ा वक्त ऐसे बिजली बिल वसूली में गुजर जाता है। यदि यह समय की बचत हो जाए तो बिजली विभाग के अभियंता उस वक्त को बिजली को तंदुरुस्त करने में लगा सकते हैं। कैमरा देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।